Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। हे देव, ये तो हमारा हार है। अपना हार अपने गले में अच्छा लगता है, दूसरों के गले का हार अपने गले में अच्छा नहीं लगता। मोतीबाई जी, कौन है वहां? हम हैं। हम कौन? पर्दे से बाहर आओ। पर्दे से बाहर तो आप नहीं आना चाहती, लेकिन मणिकर्णिका ने पर्दे के पीछे छिप कर रहना सीखा ही नहीं। क्या ना? बहुत अच्छा लग रहा है आप पर। तो कहाँ है वो रासलीला मंडली जिसे दिखाने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया था? ओहो, हम तो भूल ही गए, आपने हमें शाम को बुलाया था ना? लेकिन क्या करें, आपका पीछा करते करते रात हो गई। हमारा पीछा? हाँ, वो आप बहुत व्यस्त थी ना, इसलिए हमने आपको बीच में टोकना उचित नहीं समझा। इस तरह मत देखिए, हमें उरई में ही मालूम हो गया था कि हमारी हत्या का षड्यंत्र रचने वाली झांसी के राजमहल की एक महिला है, और आज पता चल गया कि वो महिला आप है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, और आज तक हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार पाने के लिए। हमें आपकी इन बातों पर विश्वास नहीं है। जो औरत जिसे प्रेम करती है उसी के शत्रुओं के साथ मिलकर षड्यंत्र रचे, वो ना ही अच्छी पत्नी हो सकती है ना अच्छी प्रेमिका। आप क्या समझती हैं? इस तरह आप महाराज गंगाधर राव को पालेंगी? ये भूल है। आप केवल इन धूर्त फिरंगियों की उंगलियों पर नाचती रहेंगी, और वो जिस दिन चाहे आपको अपने रास्ते से हटा देंगे। कहीं ये महाराज को ना बता दे कि हम कमिश्नर ही गए थे। हे देवा, अगर इन्हें पता चल गया तो हम दासी के रूप में पकड़े जाएंगे। ये किसी की चाल है। आप लोग रंगशाला में? और करते भी क्या हम महाराज, दूसरी बार अपमान सहन करना पड़ा। ये दासी आपकी तो नहीं होती भाई? नहीं हुजूर, हमने तो इसे कभी देखा तक नहीं। अच्छा, इसका ये अर्थ हुआ कि जब आप लोगों को महारानी से मिलने नहीं दिया तो आप लोगों ने इसे यहाँ भेज दिया। इसे बंदी बना लो। आप लोग मलिका आलिया से मिल तो ली? क्या? वो सिपाही जिस कनीस को गिरफ्तार करके लेकर गए हैं, वही तो है झांसी की होने वाली मलिका, मणिकर्णिका। जब पानी में मुंह दिखाई की रस्म होगी उस वक्त मणिकर्णिका होगी जेल, और उष्टि की रस्म पूरी करेंगे हम। और इस रस्म के मुताबिक अगर महाराज गंगाधर राव पानी में सबसे पहले हमारा चेहरा देखा
तो वो इस शादी से कैसे इनकार कर पाएंगे? समझो, मेरा मनु से मिलना अति आवश्यक है। हट जाओ बेटे, हट जाओ। मनु, 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 यहां तो नहीं है प्राची। बेटे कहां है मनु? हमें नहीं पता। तुमने उसे कहीं जाते हुए देखा है? मनु दीदी चाची देखते गई है। हे देवा, हमसे गलती तो अवश्य हुई है, परंतु वो गलती एक अच्छे काम के लिए की। अगर मैं मोती बाई का असली रूप ना जान पाती तो ना वो केवल मुझे बल्कि झांसी नरेश के लिए भी समस्याएं उत्पन्न करती रहती। देवा, हमें क्षमा कर दो। यदि हम आज अपने कक्ष तक नहीं पहुंच पाए तो हमारे आजोबाज हमारे बाबा की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। देवा, हमारी सहायता कीजिए। अंदर कैसे आ गए? चलो भागे यहाँ से। हाय अल्लाह, अरे दूल्हे राजा, हमें क्या ऐसे भगाएंगे? अरे आप हमें नचाएंगे या मैं खुद नाचूं? मेघ लिए बिना मैं ना जाऊंगी और ना आपको जाने दूंगी। हाय हाय, पहले नाच दिखाओ फिर देंगे। मेरी मालन पिपरिया का बनाला सहरा, वैसे राजा का बना बता इसका भी बना। छोड़ो तो, हमने कहा छोड़ो, 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 हमें हमने कहा छोड़ो। कौन हो तुम? अभी हैरान होने की आवश्यकता नहीं बहन, मैं समझ गया था कि तुम अवश्य किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम्हें शीघ्र दुर्गाबाई बाड़ा पहुंचना है। अच्छा नहीं किया। नहीं श्रीमंत, हमारे मनु ने आज तक ऐसा कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। वो अवश्य किसी विशेष प्रयोजन से बाहर गई है। श्रीमंत, कृपया एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी को भी हमारे व्यवहार से संदेह नहीं होना चाहिए। अब मनु नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा। काका, अवश्य मिलेगी मनु। मौजूद नहीं? हाँ, वो बाहर गई है किसी विशेष कार्य से। वो शीघ्र ही आ जाएंगी। कब आ जाएंगी जनाब? महाराज महल से यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं।
देखिए आप कतई फिक्र ना करें, जब तक मल्लिका साहिबा यहाँ तशरीफ नहीं लाती तब तक हम उनकी जगह ले लेते हैं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अपनी होने वाली पत्नी मणिकर्णिका से दूसरा पान खाइए। Thank you.
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।